हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है साहिल और आज है 9 सितंबर। लक्ष्मी को ऑफिस ड्रॉप करके आ चुका हूँ मैं, और मैंने अपना सब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। ऑफिस का काम करेंगे अभी बैठ के। यहाँ से हमारे दिन की एज यूजुअल शुरुआत होती है। सुबह जब मैं लक्ष्मी को छोड़ के आया था तब मेरा पार्किंग का कार्ड नहीं था, सो गाड़ी जो थी वो बाहर ही खड़ी थी यहाँ पे, तो यहीं से अभी पिक करके अभी जल्दी से निकलेंगे, लक्ष्मी को लेके आएंगे। हाँ जी, तो लक्ष्मी को पिक करके हम आ गए, पर लक्ष्मी को पिक करके आज हम घर नहीं आए। आज हम आए हैं, दिखाते हैं। आज हम जा रहे हैं जेमी ओलिवर पिज़्ज़ा, वो सामने छोटा सा दिख रहा है, वहाँ तक वॉक करेंगे। तो हुआ क्या, बेसिकली मोटा जो है अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मोटे की जो इस कंपनी में जो जॉब है उसका थोड़ा सीन चल रहा है। हो चुका है 14 सितंबर, राइट? 14 सितंबर को ऑलरेडी। और ये जो जेमी ओलिवर है, ये बेसिकली आता है आपके अपैरल ग्रुप के अंडर, और एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है लक्ष्मी को। तो अभी दिन कुछ कम बचे हैं, तो जितने भी हो सकते हैं डिस्काउंट यूटिलाइज करने हैं। और यस, और इस पर्टिकुलर जगह पे हम अभी तक आए नहीं थे, लक्ष्मी को काफ़ी टाइम से आने का मन था, बट ये कोरोना का सीन चल रहा था। तो कल भी थोड़ी प्लानिंग बनी थी, पर कल भी प्लानिंग ऐसे कैंसिल हो गई थी, बट आज हमने सोचा चलो चल ही लेते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट अपने हैं वेजिटेरियन बंदे, और वेजिटेरियन में भी अपने वेरी स्पेसिफिक हैं। अपने को सब्जियां हरी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो अपना तो फिक्स है मार्गरेटा, बिल्कुल बेसिक। और साथ में अपने ले लेंगे कोई सॉफ्ट ड्रिंक, या तो मिरिंडा ले लेंगे या फिर कुछ मसाला लेमन टाइप से ऐसा कुछ। मोटे वो फाइनल तुम्हारे लिए ऑप्शन ठीक है क्या? ठीक है, गार्लिक ब्रेड तो मैं भी खाऊंगा। तो जब हम आए थे हमें पता नहीं था यहाँ पे वेज के इतने ऑप्शन मिलेंगे। हमारे हिसाब से यहाँ पर वेज के बहुत लिमिटेड ऑप्शन होने चाहिए थे, बट अभी जब मेनू देख रहे हैं तो यहाँ पर वेज के बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो नाउ वी आर लिटिल कन्फ्यूज। दो मेरा तो क्लियर है, मेरा तो मार्गरेटा ही रहने वाला है। तुम बताओ तुम क्या खाओगे। सो दिस इज द गाय जेमी ओलिवर, जिसकी ये दुकान है। ठंड कौन जगह पे ऑर्डर देना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल मुश्किल नाम हो जाता है। मेनू में कुछ लिखा रहता है, ठीक है, हमने बोल दिया आपको चाहिए। बट फिर वो ऑप्शन दे देते इसमें ये चाहिए वो चाहिए, वो आपको समझ नहीं आता है क्या? अपने हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बंदे हमें कहाँ इतनी डिटेल समझ आती है, तो जो दो बार पूछो फिर पता लगता है। अच्छा नहीं बोल रही है, वाइट हो तो कुछ तो पूछ रही है भाई। ये ऐसे ऐसे ना ठंड जगह में हमने की बहुत प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बट क्या बोल सकते हैं वो ठीक है, बट बोल कह सकते हैं इसको एक्सपीरियंस अलग ही एक्सपीरियंस है। तो गेस करो कि मोटे ने क्या ऑर्डर किया है। इट्स वेरी इजी, इट्स अ पिज़्ज़ा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स व्हाट इज इट, पनीर समथिंग, इट इज समथिंग रिलेटेड टू पनीर। लेट्स सी, या A few moments later. तो डिनर हमारा हो गया यहाँ पर खत्म। कैसा लग रहा है मोटे? मैंने खाना खा लिया, बिल आ गया। मोटे को क्या चाहिए अब? सौंफ चाहिए, ज्यादा खा लिया। तो पहली बार देख रहा हूँ पिज्जा का कहते हैं, और मोटा ढूंढ रहा है कि सौंफ नहीं देते क्या। इस डब्बे में ढूंढ रहा था मोटा सौंफ को कि कहीं देखो शायद अंदर सौंफ। जेमी ओलिवर को दीवार पर भी लटका रखा है। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पर पिज्जा वीजा खा के। तो मोटे कैसा लगा पिज्जा का एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, स्वाद आ गया। मैंने होल व्हीट वाला पिज्जा लिया। हां, इसने मंगाया था कुछ तो होल व्हीट एक्सपेरिमेंट करने। अच्छा भाई, एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं। और सही है, पनीर के साथ खा गया, पनीर वाला पिज्जा। कितने टाइम बाद खाया यार खाना? ऑलमोस्ट 5 महीने, ऑलमोस्ट 5 महीने बाद फायर का कुछ खाना खाया, और वो भी पिज्जा, सीधा पराठे परूंठे नहीं, सीधा पिज्जा ही खाया। तो सही लगा, बढ़िया लगा। चलो देखो, तू मेरे एकदम A1 पैकिंग है, जेमी अंकल का नाम हर जगह लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया। हेलो गाइस, अरे यार वो भी
जब वापस आया उसके बाद जो सोफा में बैठ के मैं तो सो गया यार, सो गया। उसके बाद अभी लक्ष्मी ने वापस उठाया, कह रहे चलो सोने की जगह सोफे पे नहीं बेड पे है। तो हम अंदर आ गए। तो इसी के साथ आज के दिन को ख़त्म करेंगे, इस व्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं और उसको ऑल पर सेट करें। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो कि आपके किसी जानने वाले को जरूर पसंद आएगा।